तो गाइज आज मैं आपको एक चीज दिखाने वाली हूँ। जैसे ना हमारे वहाँ पे हल जोतते हैं, देखो बैल कैसे हर खेतों को, तो ये वाला खेत में लगाई है इन लोगों ने शिमला मिर्च, जो ना थोड़े दिन बाद ही तैयार हो जाती है। इनकी बहुत जल्दी खेती होती है, यहाँ पे बहुत अच्छे खेत होते हैं, तो यहाँ की पैदावार जो होती है ना बहुत अच्छी होती है। हमारे ना ऐसे प्याज के बीज है, ये इसी से बीज निकालेंगे, उसके बाद अगले साल फिर से नए पौधे उगाएंगे। तो मैं आ चुकी हूँ अभी टमाटर के खेत में, जहाँ पे ना ये पेड़ को सपोर्ट देने के लिए इतनी बड़ी बड़ी लकड़ी इसमें लगाई है, क्योंकि ये पेड़ बहुत बड़ा हो जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा, तो फिर इसको ऐसे करके ना ऊपर को बांधते हुए लेके आएंगे यहाँ। तो गाइस अभी मयंक चला रहा है ट्रैक्टर। मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? ऐसा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और हम भी ठीक हैं। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मीनू आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने आज के नए ब्लॉग में, नए वीडियो के साथ। तो कर लेते हैं नए दिन की शुरुआत नए दिन से। तो ना अभी बज रखा है सुबह का 7, तो मैं अभी भी आज भी अपने मायके में हूँ अभी, तो मैं अपना ब्लॉग वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि अभी अभी मैं उठी थी, क्योंकि बहुत लेट तक सोए थे कल रात ना, हम थोड़ा लेट में सोए थे, तो अभी अभी उठी मैं, अभी बच्चे तो उठे भी नहीं हैं, तो मैंने सोचा ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। आपको यहाँ का मौसम दिखाऊंगी आज का, और तो गाइस आपको आज यहाँ का मौसम दिखाऊंगी और यहाँ का व्यू दिखाऊंगी, सुबह सुबह का कैसा दिखता है यहाँ से नज़ारा, तो आप लोगों को भी दिखाते हैं। और मैं ना अभी अभी उठी रखी हूँ, अभी मैंने चाय पी ली उठ के, तो बच्चे तो अभी तक सोए हैं, तो मैं आपको यहाँ से पूरा व्यू दिखाऊंगी आज घर का अपने। सुबह सुबह ना अच्छा भी लगता है, क्योंकि अभी आधे में धूप आ चुकी है, आधी साइड को धूप नहीं आई है, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ इसे, तो वीडियो पे बने रहे। तो अभी अभी उठ के आ रही हूँ, तन्नू भी उठ गई है, गुड मॉर्निंग सब लोग। एक छोटा सा बिल्लू का बच्चा देख रही, इनका ना यहाँ पे बिल्लू का बच्चा भी है, हेलो बेबू, ये भी ना गुड मॉर्निंग बोल रहा है, गुड मॉर्निंग बोल। ये सारे आम के पेड़ है और ये है माल्टा का पेड़।
यहाँ पे आए हैं चुटकू को चराने। बच्चे भी मस्ती कर रहे हैं यहाँ पे, देखो ये देखो तन्नु और चुटकू खा रही है यहाँ पे बड़ी बड़ी घास, देखो ये इतनी बड़ी घास हो रखी है और चुटकू खा रही है भी यहाँ पे घास, और बच्चे भी सारे यहीं पे आए हैं। ये रही हमारी वसुधा जो बच्चों के साथ खेल रही है, और ये रही चुटकू। तो चुटकू को तो हमने यहाँ पे चढ़ा के रखा हुआ है, यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा घास हो रखी है तो चुटकू चर रही है अभी यहाँ पे, और बच्चे इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। देखो जितने भी गाँव के गाय बच्चे हैं ना सारी यहीं पर आई हैं चरने। तो ये है भैंस की, भैंस का बच्चा, तो ये लोग सब यहीं पे चल रहे हैं अभी। ये रही हमारी वसुधा। वसुधा तो मैं आप लोगों को ना लास्ट बार वसुधा से मिलाने वाली हूँ यहाँ पे, फिर हम लोग तो घर को निकल जाएंगे। तो वसुधा भी वीडियो पे देखने को नहीं मिलेगी, और चुटकू भी, चुटकू ना अभी चल रही है, देखो ये चुटकी अभी जैसे आवाज निकाल रहा था वैसे। नीचे चले गया वो, अरे मैं आई हूँ अभी नीचे वाले खेत में, और यहाँ पे दिखाते हैं आपको, ट्रैक्टर भी रखा हुआ है। ये है ट्रैक्टर जिससे जुताई करते हैं, क्योंकि ना बच्चों ने यहाँ पे गाय खोल रखी है। मैं भी नीचे आई हूँ, मैं अभी यहाँ पे बैठी हूँ, देखो मेरे पीछे घर है, तो मैं नीचे वाला खेत में आके यहाँ पे पेड़ के नीचे बैठी हूँ। इतना बड़ा आम का पेड़ है, ये आम की छाव में बैठी हूँ अभी। ये देखो कितना बड़ा पेड़ है, तो यहाँ पे बहुत मस्त हवा चल रही है। मेरे को तो ना पेड़ों के नीचे बैठने का मन कर रहा है, क्योंकि हवा चल रही है। और जो मेरे पीछे पेड़ दिख रहे हैं ना, वो वाले वो कटहल के पेड़ हैं दो। तो देखो ऐसे बैलों से बोते हैं ये। वहां से नीचे उतार दी है चुटकू, और वो रहा वहां से, यहाँ से हमारा घर जो आमों के बीच में दिख नहीं रहा अभी, तो सारे आम के पेड़ हैं। देखो यहाँ से दिखाती हूँ आपको दूर। तो गैस अभी बच्चे ना अभी यहाँ पानी के टैंक में देखो मस्ती कर रहे हैं, और यहाँ पे ना, और अब ले गई हूँ मैं आपको, यहाँ पे अंगूर हो रखे हैं। ये बहुत बाद में पकते हैं, शायद जून जुलाई में, तो ये अभी छोटे छोटे हैं अभी तो। ये देखो छोटे छोटे हो रखे हैं अभी, ज़्यादा बड़े नहीं हैं। तो अभी अंगूर इसमें बहुत ज़्यादा लदे हुए हैं, आपको दिखाते गुच्छे, और अंगूर इतने ज़्यादा है ना दिखाई नहीं दे रहे होंगे अभी धूप से ना। ये देखो ये सारे अंगूर लगे हैं इसमें बहुत ज़्यादा, और नाशपाती इतनी बड़ी हुई है, अलग कोई नाशपाती है, पता नहीं कौन सी है, पर ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। तो मैं जब बचपन में मैंने भी बहुत खाई ये वाली। मैं आ चुकी हूँ अभी टमाटर के खेत में, जहाँ पे ना ये पेड़ को सपोर्ट देने के लिए इतनी बड़ी बड़ी लकड़ी इसमें लगाई है, क्योंकि ये पेड़ बहुत बड़ा हो जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा, तो फिर इसको ऐसे करके ना ऊपर को बांधते हुए लेके आएंगे, यहाँ तक आएगा पूरा पेड़ में, बहुत ज़्यादा टमाटर हो जाएंगे। तो ऐसे करके इनने पूरे डंडे लगा के रखे हुए हैं टमाटरों में। तो यहाँ पे भी प्याज लगाई है, और यहाँ दिखाऊंगी मैं आपको छोटे छोटे बैंगन। आहा से हाँ आने दे। और ये रहे इनके बैंगन के पेड़ जो ना पिछली बार लगाए होंगे इनने, इनको ना पानी मिलते रहा, तो देखो कितने अच्छे बैंगन हो रहे हैं इनके। ये देखो मतलब बहुत सारी सब्जियां हो रही हैं यहाँ पे, बीन्स भी हो रही है, अभी मैं दिखाऊंगी बीन लगाई हुई थी इन लोगों ने नीचे, बैंगन भी बहुत सारे हो रखे हैं। तो ये रहे इनके बैंगन के पेड़, और दिखाते हैं ये देखो बैंगन, बहुत सारे बैंगन लगे हुए हैं इस पेड़ में, देखो कितने सारे बैंगन लगे हुए हैं, और पेड़ ना इतने अच्छे हो रखे हैं। ये पिछली बार लगाए होंगे, अभी तक बचे हैं, क्योंकि इनको ना पानी बहुत ज़्यादा मिलता है। और ये वाला पेड़ तो आप लोगों ने देख ही रखा होगा, जानते होंगे, ये है चरस का पेड़, जिसे भांग बोलते हैं हमारी कुमाऊनी भाषा में। तो ये है ना भांग का पेड़, ये देखो, ये देखो ये जा रहे हैं घास लेने अभी। तो गाइस अभी देखो पूर्णिमा ने, मतलब वसुधा ने चल लिया है अभी चुटकू को यहाँ पे बच्चों के साथ।
मन्नु चूटने लग गई गेहूँ, अब मैं आपको पूरा वीडियो दिखाने वाली हूँ, तो वीडियो पे बने रहें। ये ऐसे चूटते हैं जैसे लक्की चूट रही है, देखो। चलो स्टार्ट। डर लग रही मुझे। तो गाइज मैं गई हूँ अपनी चाची के घर पार, तो पार की भाभी बना रही है चूल्हे में रोटी।